I'm happy to be here, and I'm glad that I chose here as well. See, मैं यहाँ झटके से आया, सिर्फ इन शॉर्ट वर्ड मेरा कुछ लंबा ज़्यादा पैटर्न नहीं है, झटका लगा है लाइफ के सीरियस सिनेरियो से. सो जॉब कर रहा था, फरवरी में छोड़ी, मार्च में आया, फिर गया वापस, फिर अप्रैल में झटका लगा, वापस आ गया. देन आई वाज लाइक करना क्या है. सो मैं सिर्फ हीलिंग ढूंढ रहा था, आई वाज ओनली लुकिंग फॉर माय हीलिंग. अभी जो आपके सामने इंसान खड़ा है, वो डेढ़ महीने पहले अपने लातों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, घुटनों की इतनी गुलियां लगती. सो आई वाज गॉन थ्रू लाइक यू नो क्वाइट अ टॉर्चर आई वुड से. एंड वो सेंसिटिव भी हो गया, फिर एंग्जाइटी भी आई, देन इट वाज लाइक यो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा. बट देन जब मैं ढूंढते ढूंढते कबीला मैम से मेरी बात होती, वो याद है, तो आया. द बेस्ट पार्ट वॉज उनकी काउंसलिंग, उनके फर्स्ट इंट्रैक्शन से लेके, एंड फिर जब क्लास में संजीव सर को सुना, आई डिडंट हैव अ पर्सनल कम्युनिकेशन विद द फर्स्ट प्लेस, बट धीरे धीरे जब आया, एंड आई वाज लाइक यू नो एक फाउंडेशन चाहिए होती है लाइफ में कुछ भी करने के लिए. सो एक ग्रेट फाउंडेशन किस चीज़ से होती है, काउंसलिंग और वेलकमिंग एटीट्यूड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि हम कैसे एक दूसरे की नीड्स को मीट कर सकते हैं. क्योंकि जब तक एक लेन देन नहीं होगा ना उस चीज़ का, एक अंडरस्टैंडिंग का, एक वेलकमिंगनेस का, तो फिर कुछ नहीं बन सकता.